नमस्कार बच्चों, अकाउंटेंसी के आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं शोधन की शर्तों के अंतर्गत ऋण पत्रों के निर्गमन का लेखांकन। लेकिन उससे पहले ऋण पत्रों का शोधन के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। ये टॉपिक जो है ये शोधन की शर्तों के अंतर्गत ऋण पत्रों के निर्गमन के लेखांकन का है। लेकिन उससे पहले ऋण पत्रों का शोधन क्या होता है ये जानना चूँकि ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने कुछ बातें ऋण पत्रों के शोधन के बारे में भी बताई हैं और उसकी जर्नल एंट्री भी बताई हैं। तो सबसे पहली बात इतना समझ लीजिए कि ऋण पत्र बेसिकली कंपनी के द्वारा पब्लिक से लिया गया ऋण का प्रमाण पत्र होता है, और जो भी ऋण आपने आज लिया है, आज नहीं तो कल, उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो जब आप जनता से लिए गए इस ऋण, जो कि ऋण पत्रों के माध्यम से आप लेते हैं, इसका भुगतान कर द्वारा ऋण पत्रों का शोधन जो है इनके निर्गमन के शर्तों के अनुसार ही किया जाता है, जो कि प्रविवरण में दी गई होती है। प्रविवरण में आप सारी शर्तें मेंशन करते हैं कि आप ऋण पत्रों का शोधन कब कैसे कैसे करेंगे, ये सब निर्गमन के समय ही प्रविवरण में दिया जाता है। तो ऋण पत्रों के शोधन की प्रविष्टियां हम पहले जान लें, और उसके बाद में, हालांकि इसका अभी काम नहीं लगना है लेकिन जान लीजिए, सिंपल सी बात है, आप जो भी एंट्री करते हैं डिबेंचर्स को इशू करने की, उसका अपोजिट होना है। सबसे पहले डिबेंचर्स जब आते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं क्योंकि ये लायबिलिटी हैं, और जब आप डिबेंचर्स को पे ऑफ करना चाहोगे तो उस लायबिलिटी को आप ख़त्म करना चाहोगे, दैट इज़ व्हाई यू विल हैव टू डेबिट डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिबेंचर अकाउंट को डेबिट किया, लेकिन ये पैसा हमें देना किसको होगा, ये पैसा हम चुकता करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को, तो उन्हें ड्यू की इस एंट्री में क्रेडिट किया जाएगा, तभी तो उन्हें बाद में हम जब पेमेंट करेंगे तो डेबिट कर पाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर फर्स्ट एंड देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। अगर हम डिबेंचर होल्डर को एलिमिनेट करना चाहें, हम डिबेंचर होल्डर्स को हटा दें, तो एंट्री क्या बचेगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर आप देखो, एक सिंगल एंट्री अगर आप करते थे डिबेंचर के इशू की, तो क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये डिबेंचर के इशू की एंट्री थी। तो अगर देखें तो शोधन की एंट्री इशू की एंट्री की जस्ट अपोजिट है। फिलहाल अब हम आगे बढ़ेंगे और ये ध्यान में रखेंगे कि अगर हमें शोधन करना है, शोधन तो करना ही है, ऋण पत्रों का करना ही होता है, जैसे जो जन्मा है उसकी मृत्यु तय है, इसी तरह से ऋण पत्रों का शोधन भी तय है। कुछ ही ऋण पत्र होते हैं जो इरिडीमेबल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऋण पत्र ऐसे ही होते हैं जो और या प्रीमियम पर हो सकता है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि शोधन कभी भी डिस्काउंट पर नहीं होता, क्योंकि शायद ही कोई व्यक्ति आपको ऐसा ऋणदाता के रूप में मिले जो आपसे ये कहे कि आज आप 100 रुपये हमसे ले लो और हम बाद में आपसे 90 ले लेंगे। 90 लेना ही छूट पर शोधन करना है, तो छूट पर शोधन करने के लिए कोई राज़ी नहीं होगा, और इसीलिए ऋण पत्रों का शोधन कभी भी छूट पर नहीं होता, ये पहली बात, ठीक है। हाँ, निर्गमन जो है वो सममूल्य, कटौती या प्रीमियम, यानी कि एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम, ये निर्गमन दोनों पर, तीनों पर हो सकता है, बट रिडम्पशन जो होगा वो केवल एट पार होगा या एट प्रीमियम होगा, ठीक है। तो अब हम इस तरह से अगर देखेंगे तो ये कुल मिलाकर के 6 प्रकार की स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति क्या है, जब ऋण पत्रों का निर्गमन और शोधन दोनों ही सम मूल्य पर हो। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण के ज़रिए एंट्री इशू की और एंट्री रिडम्पशन की समझेंगे। उदाहरण कुछ यूँ है कि ₹100 मूल्य का एक ऋण पत्र ₹100 में ही निर्गमित कर दिया गया और शोधन पर भी ₹100 ही लौटाए जाएं। तो आप सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक साथ पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100-100, और देन यू विल हैव टू ट्रांसफ़र दिस मनी टू डिबेंचर अकाउंट, सो फॉर दैट पर्पज़ यू विल हैव टू पास द सेकेंड जनरल एंट्री विच इज़ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू पास द एंट्रीज फॉर रिडम्पशन,
देन द फर्स्ट जर्नल एंट्री वुड बी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट so this is the these are the journal entries when you are issuing debentures at par and which these debentures are redeemable at par then you have to pass these journal entries now second circumstance क्या है जरा देख लीजिए second case क्या है जब ऋण पत्रों का निर्गमन कटौती पर तथा शोधन सम मूल्य पर किया जाए तो अभी शोधन सम मूल्य पर ही होगा कटौती पर निर्गमन हो जाएगा और फिर प्रीमियम पर निर्गमन हो जाएगा तो सबसे पहले हम जाने कि अगर हम निर्गमन कटौती पर कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी ये एंट्रीज वही हैं इसमें कुछ भी नया नहीं जुड़ रहा है देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 रुपये डिस्काउंट के बाद आप 95 रुपये रिसीव कर लोगे और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करोगे 95 से डिस्काउंट ऑन इशू आप डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट करोगे 5 से टू डिवेंचर्स अकाउंट 100 से वहाँ आप वही सेम एंट्री कर दोगे जो आपने ऊपर पढ़ा था डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट ठीक है ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कटौती की राशि होती है ये एक तरह की पूंजीगत हानि होती है इसे कंपनी के जीवन काल में ही अपलिखित कर दिया जाता है जब तक अपलिखित ना किया जाए तब तक इसे अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस के रूप में दिखाया जाता है ठीक है और ये कहाँ दिखाए जाते हैं ये बेसिकली अदर करंट असेट्स में दिखाए जाते हैं ओके या कभी कभी अदर नॉन करंट असेट में भी दिखाए जाते हैं वही जितना हिस्सा इस साल राइट ऑफ करना है उतना दिखाया जाएगा नॉन करंट असेट्स में ये हम पहले भी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं फिलहाल क्वेश्चंस में जब ये आएगा तो डिटेल से समझ लेंगे अभी हम जल्दी से ये भी देख लें कि निर्गमन है प्रीमियम पर और शोधन वही पार पे है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105 से डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड 105 डिबेंचर अकाउंट 100 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लगाना पड़ेगा ठीक है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना 5 और यहाँ सेम एंट्रीज हैं अब आर्थिक चिट्ठे में हम रिजर्व जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है इसे कहाँ दिखाते हैं इसे हम बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा देते हैं ठीक अब 3 और कंडीशंस बनने वाली हैं जिन्हें ध्यान से सुनिएगा जब ये बहुत ध्यान से समझोगे तो समझ पाओगे जब ऋण पत्रों का निर्गमन सम मूल्य पर और शोधन प्रीमियम पर किया जाए तो आपको जो मिलने वाला है वो तो 100 रुपये ही मिलेगा इशू पर है ना तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लीजिए 100 से ठीक है लेकिन ये जो डिबेंचर्स हैं मतलब ये तो आपने रिसीव कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 ये पहली एंट्री हो गई जब आप इसे ट्रांसफ़र करोगे तो सेम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट करोगे 100 से और डिबेंचर्स में टू डिबेंचर करके लिखोगे कितना 100 मगर इसी क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि जो डिवेंचर्स हैं इनका शोधन प्रीमियम पर होगा और वो प्रीमियम कितना है शोधन पर 105 लौटाने हैं तो आप सोचिए ज़रा आज आप इशू कर रहे हो 100 रुपये पे जो डिवेंचर्स आज ही आपको पता है कि उसके लिए 105 रुपये आपको देने पड़ेंगे तो ये जो 5 देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा इसे हम क्या बोलते हैं ये होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट इंट्रोड्यूस होती हैं तो वो होती हैं क्रेडिट तो मुझे ये बताओ 100 रुपये तो आपको डिवेंचर पे देने ही थे तो ये लायबिलिटी के तौर पे यहाँ क्रेडिट हो रहा है ना और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिस इज़ अनदर लायबिलिटी यस और नो 5 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं ना आफ्टर सम टाइम है ना तो ये 5 रुपये आपके लिए लायबिलिटी है अच्छा फ्यूचर में जो आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा वो क्यों देने पड़ेंगे क्योंकि आज आप कर रहे हो इशू डिबेंचर्स का बिकॉज यू नीड मनी एट दिस कंडीशन आल्सो व्हेन यू आर रिसीविंग ओनली ₹100 एंड यू आर सपोज टू पे बैक ₹105 राइट तो 5 रुपये एक्स्ट्रा देने को अगर आप तैयार हो तो दिस इज़ योर
यू नो सिचुएशन, दिस इज़ योर फाइनेंशियल सिचुएशन दैट यू आर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट दिस कंडीशन बिकॉज देर इज़ नो अनदर ऑप्शन, राइट, देर इज़ नो ऑप्शन. सो आपने इसे कर लिया तो ये इशू ऑफ डिवेंचर हो रहा है और उसी पर होने वाला लॉस माना जाएगा. भाई ये लॉस किस वजह से हो रहा है जो 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, ये कब हो रहा है, ये इशू पर हो रहा है डिवेंचर के, और लॉस तो है ही. तो इस खाते का नाम क्या होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट. और लॉस अगर कोई होती है तो वो होती है हमेशा डेबिट. तो मुझे बताओ ये जर्नल एंट्री जो सेकेंड जर्नल एंट्री है क्या ये समझ में आती है. डिबेंचर एप्लीकेशन तो आपको वैसे भी डेबिट करना ही था, जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट करते हो, ये पूरा का पूरा पैसा डिबेंचर अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना ही होता है. अब नई बात जो जुड़ रही है वो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट. ये लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट हुआ है और इसी लाइबिलिटी की वजह से ये हो गया है लॉस आपके लिए इशू पर डिबेंचर के. तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट आपने रिडम्पशन के इशू पर वो होगी एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5 रुपये. ये लाइबिलिटीज़ हैं दोनों, और लाइबिलिटीज़ को जब ख़त्म कर रहे होते हैं तो उन्हें डेबिट करना पड़ता है. और ये हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसके खाते में, डिबेंचर होल्डर. जब हम इन्हें ख़त्म कर रहे हैं तो हमारे एक नई लाइबिलिटी डिबेंचर होल्डर के रूप में क्रिएट हो रही है 105 की, और जब हम इसे भुगतान कर देंगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री कर देंगे. मुझे लगता है कि बात समझ में आ रही होगी. चलो आगे की सिचुएशन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अच्छा हाँ ये भी देख लीजिए. ऋण पत्रों के शोधन के समय जो प्रीमियम दिया जाना है वह निर्गमन के समय ही आपको ज्ञात होता है, अतः इसे निर्गमन पर हानि यानी कि लॉस ऑन इशू मानते हैं और इसीलिए डेबिट करते हैं लॉस मानते हुए. ये तो बात रिपीट हो गई जो अभी मैंने आपको बताई. और इस पूंजीगत हानि को आप शनय शनय यानी कि धीरे धीरे कुछ वर्षों में लाभहानि विवरण से आप लिखित करते चले जाते हैं, और जब जब आप इसे राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. ये एक साथ भी कर सकते हैं, धीरे धीरे भी कर सकते हैं, एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन यू आर सपोज टू डू दैट. ठीक है. अच्छा जो दूसरी चीज़ है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, तो इसको संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस में, वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको बोला था. आर्थिक चिट्ठे में जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है उसको क्या करते हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है इसका तो क्रेडिट शेष है बिकॉज दिस इज अ लायबिलिटी, तो ये कंपनी के लिए दायित्व है. देखिए लिखा भी है कंपनी के लिए दायित्व है, अतः इसे प्रतिवर्ष चिट्ठे में समता एवं दायित्व पक्ष में नॉन करंट लायबिलिटी शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है. लायबिलिटी शीर्षक के अंतर्गत अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में दिखाया जाता है. ठीक है. और जिस वर्ष ऋणपत्र का शोधन करते हैं उस वर्ष शोधन की प्रविष्टि में यह खाता डेबिट हो जाता है और अपने आप बंद हो जाता है, जैसे आपने अभी एंट्री में देखा था ये इस तरह से डेबिट होगा, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 5 करके, और अपने आप खत्म हो जाएगा. जिस भी खाते का क्रेडिट बैलेंस हो अगर जनरल में हम उसे डेबिट कर देते हैं तो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है. चलिए नेक्स्ट सिचुएशन है जब ऋणपत्रों का निर्गमन कटौती पर और शोधन प्रीमियम पर हो, यानी आप निर्गमन पर रिसीव करेंगे 100 की जगह 95, 98, 90 और आप देंगे 100 की जगह 105, 110. खैर ये सवाल है कि जहाँ पे 100 रुपये वाले जो ऋणपत्र हैं ये 98 पर निर्गमित किए गए हैं और 105 पर इनका होना है शोधन. तो देखिए 98 पर चलो निर्गमन करते हैं पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हियर यू आर गोइंग टू रिसीव 98 ओनली. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड 98. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की जगह अगर आप यहाँ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करते 2 रुपये से तो ज़्यादा आपको समझ में आता है ना, तो कर वो भी सकते हैं. यहाँ पे अगर आप नॉर्मली देखें तो आप क्या एंट्री करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड 98, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिटेड 2 रुपीज़ टू डिबेंचर्स 100. लेकिन जब बात आई कि 5 रुपये प्रीमियम भी है रिडम्पशन पर तो इसे तो आपको क्रेडिट करना ही होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5. तो आप ये कर सकते थे कि ये 5 रुपये से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता 5 से,
और 2 रुपये से लिखते हैं आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बात यह है कि जो ये जो और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के 5 रुपये, इनको हम एक साथ 7 रुपये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर मान लें, एंड दिस कैन बी डन एंड दिस इज डन हेयर इन दिस जनरल एंट्री, राइट। एंड हेयर यू विल हैव टू पास डिबेंचर ऑन डिबेंचर अकाउंट 100, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 5 टू डिबेंचर होल्डर 105, डिबेंचर होल्डर डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 105। ओके, ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन भी की है उपर्युक्त प्रविष्टि में, रुपये 2 की कटौती है और 5 रुपये का प्रीमियम है, दोनों हानियों को एक साथ लॉस ऑन इश्यू खाते में 7 रुपये डेबिट कर दिया गया है। क्योंकि दोनों पूंजीगत हानियां हैं, अतः इनके लिए लॉस ऑन इश्यू खाता ही खोला जाता है। इस खाते को कुछ वर्षों में लाभांश विवरण से अपलिखित किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आपने ऊपर अभी एक एंट्री पढ़ी थी, एंट्री ये थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दिस एंट्री कैन सी हियर। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिचुएशन 6 अंतिम है, जब ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर हो और शोधन भी प्रीमियम पर हो। 100 रुपये मूल्य के ऋण पत्र 106 में निर्गमित किए जाएं और शोधन जो है 110 पर हो, तो पहली बात तो 106 रिसीव करोगे ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 106। नाउ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड 106, टू डिबेंचर्स 100, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 6। ये हो गया आपका अब तक का जो आप नॉर्मली पढ़ते थे इशू का लेखा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 106 मिले थे उसे आपने डेबिट किया, डिबेंचर में आपने 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए टू डिबेंचर करके, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये अलग से लायबिलिटी है, इसे भी क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 100, और ये इश्यू पर हो जाएगी आपकी लॉस, है ना। तो इसे क्या करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना 10। देखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज अ लायबिलिटी, एंड बिकॉज ऑफ दिस लायबिलिटी यू आर इनकरिंग अ लॉस ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइट। तो इसे तो डेबिट करना ही है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जितना होगा उतना लॉस माना ही जाएगा यहाँ, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो 6 रुपये, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको मिल चुका है अभी का अभी। तो मुझे बताओ क्या ये एंट्री समझ में आ रही है, एक बार फिर से देख लो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जितना मिले थे आपको 6 रुपये 106 रुपये उतने से डेबिट किया, इसमें से डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए 100 रुपये, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के इसमें थे 6 रुपये, तो आपने इसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा 6 रुपये। अब इतनी बात तो हो गई, अब दूसरी बात ध्यान में रखेंगे कि 110 पर शोधन होना था, तो आपने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 से कर दिया क्रेडिट, और यही है आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपीज़ से। यहाँ पर जो एंट्री होगी वही डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10 टू डिबेंचर होल्डर 10110, यानी कि 110, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 110 से एंट्री हो जाएगी। अगर हम बात करें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कहाँ दिखाते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में दिखाते हैं। ऋण पत्रों का कभी भी कटौती पर शोधन नहीं होता, अभी मैं ठीक है जो आपने पढ़ा है अभी उसी का उदाहरण नंबर 8 में इन्होंने प्रैक्टिस कराई है, 2012% ऋण पत्रों का जो कि प्रत्येक 100 का है सम मूल्य पर निर्गमन किया गया और शोधन भी सम मूल्य पर होना है। तो जो आपने अभी पढ़ा है उसी की एंट्री की गई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये आएगा 2000 × 100, 2 लाख हो जाएगा। फॉर एप्लीकेशन मनी ऑन 2012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 रिसीव्ड एट द रेट ₹100 रिसीव्ड एंड 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर्स अकाउंट इशूड एट पार।
ये तो हो गई जनरल एंट्री। बैलेंस शीट में इक्विटी लाइबिलिटीज़, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएंगे 2 लाख, असेट में, करंट असेट में, कैश एंड इक्विवेलेंट में भी 2 लाख आएंगे। नोट्स टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंतर्गत दिखेंगे आप क्या 2012% डिवेंचर्स अब ₹100 ईच 2 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत कैश एट बैंक 2 लाख। ठीक है, दूसरा सिचुएशन क्या है? दूसरा सिचुएशन ये है कि डिवेंचर्स 2000 के हैं, 12% ऋण पत्र हैं और इनका निर्गमन 2% कटौती पर है, शोधन सम मूल्य पर ही है। तो देख लीजिए इसे भी जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आपको जो नहीं मिलेगा वो कितना है? वो बेसिकली केस क्या था, 2% कटौती है, यानी कि ₹2 पर शेयर है। 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आएगा। तो आप रिसीव करने वाले हैं कितना? 1,96,000। यही आपने करा डेबिट। 4000 क्या है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो डिवेंचर डिटेल्ड लिखेंगे, फॉर एप्लीकेशन मनी ऑन 2000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 रिसीव्ड एट 98 ईच। ठीक है, फिर हम बात करें बैलेंस शीट में इसे कैसे शो करेंगे। तो बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 2 लाख तो आएगा ही। इधर असेट में अदर करंट या नॉन करंट असेट में अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस में डिस्काउंट आते हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 1,96,000 जितना मिला है ये दोनों मिला के 2 लाख हो जाएंगे। देखिए नीचे नोट्स दिए गए हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 2000 12% डिबेंचर्स आप 100 ईच ऐसे लिखेंगे। नोट नंबर 2 में लिखेंगे अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 4000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 196,000। राइट, देन सॉल्यूशन 3 इज देयर। इसमें आपने प्रीमियम पर किया है इशू, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2,10,000 आपको मिल रहे हैं, और ये आपने डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2,10,000, डिबेंचर में 2 लाख गए और 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गए। नरेशन मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है, लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के आ जाएंगे कितने, 10,000। नीचे देख सकते हैं ये दिखाए हैं इन्होंने, जस्ट अ मिनट, यस नाउ यू कैन सी हियर, ये शेयर होल्डर्स फंड के 10,000 नज़र आ रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जरूर लगाएंगे, कभी भी रिजर्व लगाना नहीं छोड़ सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना, 10,000। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 2000 12% डिबेंचर्स आप 100 इज 2 लाख हो जाएगा, और वो आपने यहाँ लिख दिया है नोट नंबर 3 में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंट्रीज हैं। जो मैंने ऊपर इंट्रीज बताई हैं उसी के आधार पे ये सॉल्यूशन 4, 5 और 6 है, लेकिन चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए 4 में आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पूरे 100 से एंट्री की है 2 लाख, लेकिन इसमें जो रिडम्शन है वो प्रीमियम पर होना है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्शन यहाँ पर हुआ है क्रेडिट, तो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर चला गया है। नरेशन मुझे लगता है लिख लेंगे। तो बैलेंस शीट में इसे शो कैसे करेंगे? एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा 2 लाख, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में वही डिवेंचर्स हो गए। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में क्या आएगा, 10,000, ये क्या है, वही रिडम्शन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्शन। ठीक है, नोट नंबर 1 और 2 दिखा देते हैं। देखिए लॉन्ग 2012% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच 2 लाख, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में प्रीमियम ऑन रिडम्शन 10,000। ठीक है, इसके बाद में जो खाता आपने डेबिट कर दिया था ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसे कहाँ दिखाएंगे? इसे दिखाएंगे असेट साइड में अदर करंट एंड नॉन करंट असेट्स में अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस में 10,000, और करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2 लाख तो रहेंगे ही, क्योंकि यही आपने रिसीव किया था शुरुआत में। तो आप देख सकते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10,000 है, और इसी तरह से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2 लाख। यहाँ पर ये जो केस है इसमें आपको डिस्काउंट पे किया है आपने इशू, और रिडम्शन हो रहा है प्रीमियम पर। तो एंट्री आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 196 आप यहाँ रिसीव कर रहे हो, यही आपने डेबिट किया, और डिबेंचर में आप पूरे 2 लाख ट्रांसफ़र करोगे, 10,000 का प्रीमियम ऑन रिडम्शन,
और 4000 का यहाँ लॉस डिस्काउंट का, तो कुल मिलाकर के ये 14000 का हो गया। कितना हो गया? has been debited by 14000 by grouping together the discount on issue of rupees 4000 and premium on redemption of 10000, right? तो मुझे लगता है कि ये आप समझ गए होंगे। और नरेशन जो होगा वो क्या लिखा जाएगा, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो 2 लाख के आएंगे ही डिबेंचर्स के। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में ये रिडम्शन पर प्रीमियम है, यानी कि प्रीमियम ऑन रिडम्शन, और अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस में पूरे के पूरे 14000 लॉस ऑन इशू आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आप समझ गए होंगे। जो 6 है इसमें क्या है कि प्रीमियम है इशू पर भी और प्रीमियम है रिडम्शन पर भी। 2,10,000 आपने रिसीव किए हैं, तो डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2,10,000, इसमें से डिबेंचर्स अकाउंट में 2 लाख जाएंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के हैं 10,000, प्रीमियम ऑन रिडम्शन के हैं 20,000, तो लॉस हो गया, लॉस ऑन इशू और डिबेंचर 20,000। बैलेंस शीट में इसे कैसे दिखाएंगे? शेयर होल्डर्स फंड में एक तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, तो वो आप नीचे देख लीजिए। ये रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पर दिया गया है 10,000, समझ में आ गए होंगे। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी दिखा दिया इन्होंने, प्रीमियम फॉर रिडम्शन अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आता ही है। अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आता है, और ये कितना है, ये 20,000 रुपये है। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे असेट साइड में अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो बार बार देखें। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती जो होती है और जो हानि होती है, इसको अपलिखित करने के चलिए उनकी चर्चा कर लेते हैं। कल कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चंस किए भी थे इससे पहले। ये क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत हो जाती है, 21, 22, 23, 24, 25, ये इतने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, ये सारे प्रश्न आप पढ़ें। इसमें पांचों क्वेश्चंस आप करें, आज ये कोई अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ये इंटरेस्टिंग है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनकी एंट्रीज हैं, पढ़ लें सारे सबसे पहले, और ये देख लें कि क्या आपको ये आते हैं या नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, तो आप इनमें से कोई भी 3 सवाल ज़रूर कर लें, स्पेशली जो बोर्ड में आए हैं उन्हें ज़रूर कर लें। आपकी ये 21 से लेकर के 25 तक के सवाल। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।